संजय सिंह मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा गोपाल राय ने वो भी सुनिए। तलाशी लेती रही, पूरे घर को खंगाला, दिन भर ईडी पूरे टीम के साथ संजय सिंह जी के घर में जमी रही, लेकिन जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी के घर पे हुआ था, एक रुपया उनके घर पे नहीं मिला। कल दोबारा संजय सिंह जी के घर पे भी चप्पा चप्पा खंगालने के बाद भी ईडी को कुछ नहीं मिला। पूरे देश के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास आईटी है, हमारे पास पुलिस है, हम जवान को बंद कर देंगे। कल संजय सिंह जी ने कहा, मरना पसंद है लेकिन डरना नहीं। आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, पूरी पार्टी के सभी नेताओं को भी गिरफ्तार कर लोगे तब भी ना आम आदमी पार्टी पहले झुकी है आपके सामने और ना आगे झुकने वाली है। हम जेल जाने को तैयार हैं लेकिन आपके सामने झुकने को तैयार नहीं है। देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए आवाज हम उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। आप चाहते हो कि आपके पास एक ही समाधान बचा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर भेज दो। आप कह रहे हो केजरीवाल, केजरीवाल को भी आप चाहते हो कि जेल के अंदर हम बंद कर दें। आप चाहते हो ममता बनर्जी जी को भी जेल के अंदर बंद कर दें। आप तेजस्वी यादव को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप वाईएसआर को भी चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। आप तो पूरे देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को चाहते हो कि जेल के अंदर बंद कर दें। लेकिन जेल का इतिहास यही है कि अगर सत्ता लोगों को जेल में बंद करके चुनाव जीतने का सपना देखने लगे तो समझ जाओ कि उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जब नेताओं की आवाज को सत्ता के दम पर चुप करा दिया जाता है तो देश की जनता ने इतिहास में भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आप ये सोचते हो कि उसी रास्ते पर चल के आपको एमसीडी की तरह चुनाव हारना है, वो भी कबूल है। आप गिरफ्तारियां करते रहो और लोकसभा चुनाव में आपके हार की तैयारियां जनता कर रही है।